हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रेजी लाइफ पर। तो मैं सौरभ कुमार आ गया हूँ वापस एक धमाकेदार ऑफर के साथ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि यदि आप लोगों के पास एयरटेल सिम है तो उसमें से आपको दो नंबर मैं दे रहा हूँ, जो कि आपको लिंक के सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं उस नंबर को, एंड आप वहाँ पे डायल करेंगे 5212। इस नंबर को यदि आप एयरटेल यूज़र हो, 4G सिम है आपका, तो आपको मिल जाएगा 10 GB डेटा बिल्कुल फ्री। एंड दूसरा जो नंबर है वो है 5111। तो इस पर आपको मिलने वाले हैं 4 GB। यदि आपका 4G सिम है एंड सिम स्लॉट 1 पे है तो आपको मिल जाएंगे 4 GB। तो ये ऑफ़र जो है स्पेसिफिक है, मतलब लिमिटेड पर्सन को ही मिलता है, सारे को नहीं मिलेगा ये ऑफ़र। तो अब मैं बात करूँ अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन पे जो मैंने आपको कुछ एक दो दिन पहले जो एक वीडियो डाली थी कि यदि आप 20 रुपीज़ या 20 से ज़्यादा का आप यदि ट्रांजेक्शन करते हो स्कैन एंड पे, तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सीधा अमेज़ॉन पे जाकर। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग, मैंने जो आपको एक बार ट्रांजेक्शन भी करके दिखाया था, जो कि मैंने बोला था मेरा लिमिट ओवर हो गया बैंक का, तो उस पर क्या हुआ था, एक टर्म्स एंड कंडीशन नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने अपलोड किया वीडियो, जस्ट उसी के सामने अमेज़ॉन ने लिमिट कर दिया कि पर डे आप यदि ट्रांजेक्शन 10 या 10 से ज़्यादा करते हो तो आपका लिमिट जो है मतलब बंद कर दिया जाएगा ये ऑफ़र आपके लिए। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ, मेरा जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर मैं कल के डेट में मैंने दो ट्रांजेक्शन किया, मतलब एक ट्रांजेक्शन किया और एक बार रिसीव किया। देख सकते हो आप, मैंने 29 को एक ट्रांजेक्शन रिसीव किया और एक पे किया था। आप देख सकते हो सिंपल सा, ये वाला देख सकते हो, मैंने एक बार ट्रांजेक्शन किया और एक बार रिसीव किया। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे शाम में मुझे 11 रुपीज़ का बैलेंस मिला था कैशबैक। देख सकते हो ये वाली है आप, 11 रुपीज़ का 29 को ही कैशबैक मिला। तो इसके लिए मैंने ईमेल भी चेक किया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है गिफ्ट कार्ड वगैरह मिला है, तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने दूसरा वाला अमेजोन अकाउंट में देखा तो उसमें भी सेम यही चीज़ हुआ था, मतलब जिस अकाउंट में मैंने पे किया था और अकाउंट से रिसीव किया था उस पे मैंने देखा तो उसमें भी यही केस था, तो उसमें भी 11 रुपीज़ कैशबैक मिला था। तो मैं इसलिए एक बार फिर से मैं ट्रांजेक्शन अभी मैंने आज ही किया, देख सकते हो आज एक बार फिर से मैंने पे किया एंड रिसीव किया। तो अब मैं देखता हूँ यदि इसमें आपको मिलती है 11 रुपीज़ कैशबैक, यदि हमें मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को एक ज़रूर वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो। ये शाम तक मैं वेट करता हूँ, एंड यदि मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप लोग भी ट्रांजेक्शन करके देख सकते हो। यदि आप लोगों को मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताना किस किस को मिला। तो अमेज़ॉन की जो वो जो लिमिट थी, मतलब 20 रुपीज़ या 25, उस 20 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन पे 2 रुपीज़ करके ट्रांजेक्शन जो आप लोगों को कैशबैक मिलता था, तो उस पर मैं बता दूं कि आप लोग, मैं बता दूं 5 ही ट्रांजेक्शन पर डे करना, क्योंकि यदि 10 से ऊपर करोगे 5 ही, मैं बताऊंगा 5 ही करना पर डे, 5 5 करके ही करना, 10 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा तो वो ठीक है। ये क्योंकि 10 से ज़्यादा यदि करते हो आप लोग तो आपका जो है ऑफ़र बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस बंदे ने किया होगा उसे तो बंद ही हो गया होगा, जिसका इसका बंद हो गया हमें कमेंट करके बताओ कि भाई मेरा बंद हो गया, तो मैं कुछ अमेजोन वगैरह से बात करके देखता हूँ। एंड नेक्स्ट ऑफ़र जो आ रही है वो है फ्रीचार्ज की तरफ से। यदि आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा फ्रीचार्ज हर महीने एक कूपन लाती है FC10, ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रीचार्ज FC10 ये हर महीने कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया था, फिर से अभी देख रहा हूँ मैं ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया ये रिचार्ज वाला, तो ये सभी के अकाउंट पर शायद आ चुका है। तो ये कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग चेक करना एंड हमें बताना कि आप लोगों के अकाउंट पे ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने जुलाई के मंथ में इसे यूज किया तो मेरा सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रीचार्ज ओपन किया एंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो मैंने ट्रांजेक्शन किया था, मतलब 10 का रिचार्ज किया था तो मुझे 10 रुपीज़ कैशबैक मिला था। तो यहाँ पे मैं रिचार्ज का भी दिखा दे रहा हूँ, 14 जुलाई को मैंने किया था, देख सकते हो आप लोग, तो इसका मुझे रिफ़ंड भी मिला था, देख सकते हो। और ये कूपन है, कूपन भी यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। कूपन फिलहाल शो नहीं कर रहा है, लेकिन FC10 ये वर्क कर रही है इसलिए मुझे मिला। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो जिस जिस बंदे को ये ऑफ़र वगैरह शो करती है, जितने भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू।